गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो अं अगला टॉपिक कर रहे हैं वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। द चार्ज ऑन अ सरफेस एरिया इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। The charge distributed per unit area of a sheet is called surface charge डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी नूं असीं सिग्मा नाल असीं डिनोट करते हैं। इहदा फॉर्मूला होंदा चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। एस नाल भी डिनोट कर सकते हैं, ए नाल भी डिनोट कर सकते हैं। सो सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। एस ए यूनिट की गल करिए तो चार्ज दे यूनिट कूलम एरिया दे मीटर स्केयर। सो कूलम पर मीटर स्केयर। उस तो बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज। एक इनफाइनाइट शीट असी ड्रॉ कर ली, उहदे उत्ते जिहड़ा है चार्ज पॉजिटिव चार्ज जिहड़ा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हुण इस शीट दे करके शीट जिहड़ी है इस तरह, जिस तरह मैं हाथ रखिया हुआ इस तरह है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, तो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन जिहड़ियां वा पॉजिटिव टू अवे जाणगियां या राइट वल जाएगी या लैफ्ट वल जाएगी। सो जो अगर अं गॉशियन सरफेस ड्रॉ करिए तो गॉशियन सरफेस जड़ा है वो इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर आएगा, इन द फॉर्म ऑफ एन इमेजिनरी सिलेंडर जड़ा है गॉशियन सरफेस साढ़े को ड्रॉ हो जाता है। मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो सानू पता चल गई की है पॉजिटिव टू अवे। सिमिलरली भी इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू अवे। हम इमेजिनरी जो गॉशियन सरफेस है ये थ्री सरफेस ने, एस वन एक कर्व्ड पार्ट है, एस टू दूसरा थर्ड भी सर्कुलर पार्ट है, एस थ्री। इन्हें जिस स्मॉल एरिया ले लिया सरफेस एरिया जो वैक्टर है स्मॉल एलीमेंट डी एस वन, उस तरह ये भी स्मॉल एलीमेंट ले लेंगे उसकी डायरेक्शन की हो जाएगी इस साइड में होगी। थर्ड सरफेस एरिया जो है डी एस थ्री उसकी डायरेक्शन इस तरह आएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इफ सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी देन सिग्मा कहते इक्वल होएगा क्यू ओवर एस ते। क्यू कहते इक्वल आ गया सिग्मा एस ते। यदि वैल्यू अगर अं उपर पुट कर दिए तो साढ़े को आ जाएगा ई डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा एस ओवर एप।
सारे नोट जिसने कल किया ही उसी तरह इस इंटैग्रल के भी तीन पार्ट हो गए एस वन ई डॉट डी एस सेकेंड ई डॉट डी एस एस टू ई डॉट डी एस एस थ्री जिस तरह कल असी किया ही कल वाले टॉपिक पर दिखावा कल वाले भी असी इस तरह तीन पार्ट्स नू डिवाइड कर लिया पहला सरफेस एरिया स्मॉल एस वन सैकेंड एस टू थर्ड एस थ्री हूँ ये की इलैक्ट्रिक फील्ड तो एरिया की सेम डायरेक्शन है सो एंगल इज जीरो डिग्री एस केस में इलैक्ट्रिक फील्ड तो एरिया कि एंगल है 90 डिग्री थर्ड में अगेन सेम डायरेक्शन इलैक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन हुई है एरिया भी सेम है सो एंगल इज जीरो डिग्री ठीक है इस करके इतने साढ़े को आ गया एस वन दे विच ई डी एस वन कॉस जीरो डिग्री एस टू दे केस विच ई डी एस टू कॉस 90 डिग्री एस थ्री दे केस विच ई डी एस थ्री कॉस जीरो डिग्री ते सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉस 01 है कॉस 90 जीरो इस करके सेकंड पार्ट ते डिमिनिश हो जाना जीरो है ना सो इलैक्ट्रिक फील्ड आ गया कॉन्सटेंट है इंटैग्रल तो बाहर चला गया ई एस थ्री डी एस थ्री इज इक्वल टू सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नॉट हूँ एरिए केड़े केड़े है एस वन ये सर्कल है साइड का सिलेंडर का ये एस थ्री जरा ऑपोजिट साइड का वा सर्कल दोनों सर्कुलर पार्ट का एरिया इक्वल है ठीक है असी सपोज कर लिया कि दोनों का एरिया किन्ना एस है यानी कि ये इंटीग्रेशन किन्नी आ गई एस ई एस इज इक्वल टू सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नॉट टू ई एस इज इक्वल टू सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नॉट ई किन्ना आ गया सिग्मा एस ओवर टू एस एप्सिलॉन नॉट एस कैंसिल हो गया सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट ऑफ चार्ज वो किन्ना होता है सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट ठीक है उस तो बाद उस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल थिन शीट्स ऑफ चार्ज अगर दो शीट्स हो जिस तरह एक ड्रॉ की है उस तरह अगर दो शीट्स हो तो फिर क्या होगा से ए ते बी सपोज कर लो दो शीट्स ने ये उत्ते भी पॉजिटिव चार्ज है सेकंड वाली दे ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है सपोज करो अगर चार्ज डेंसिटी इधर डिफरेंट है सिग्मा ए है दूसरी वाली दी सिग्मा बी है तो इलैक्ट्रिक फील्ड आप फर्स्ट रीजन विच सेकंड रीजन विच ते थर्ड रीजन तिना विच कैलकुलेट करना तो इलैक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट हूँ फर्स्ट रीजन के देखिए तो इलैक्ट्रिक फील्ड जोड़ा है कि है पॉजिटिव टू अवे फर्स्ट शीट करके भी आएगा सेकंड करके भी आएगा फर्स्ट का की इफेक्ट होएगा सिग्मा ए ओवर टू एप्सिलॉन नॉट ठीक ये फर्स्ट शीट करके आ गया क्योंकि ये लेफ्ट साइड में जा रहा है राइट वाला ही पॉजिटिव ले लेंगे लेफ्ट वाला नेगेटिव ले लेंगे सो नेगेटिव साइन इंटरैक्शन शो करने लगा सकते हैं उस तरह बी तो भी अवे जा रहा है सिग्मा बी ओवर टू एप्सिलॉन नॉट इस तरह का राइट साइड वाल देखिए तो सिग्मा ए ओवर टू एप्सिलॉन नॉट ए पॉजिटिव हो गया तो दूसरे वाला सिग्मा बी ओवर टू एप्सिलॉन नॉट डायरेक्शन ऑपोजिट है इस करके पॉजिटिव ले लिया सेंटर देखिए ए जरा वा इलैक्ट्रिक फील्ड
ये राइट साइड में होएगा। सो सिग्मा ए ओवर टू एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव ले लेंगे, तो बी द ऑपोजिट डायरेक्शन है, सिग्मा बी ओवर टू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दी डायरेक्शन नेगेटिव वाली साइड में हुआ, इस करके माइनस ले लेंगे। इट मीन्स अगर ऐसे देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन वन की आ जाएगा ई इक्वस टू से ई वन इक्वस टू सिग्मा ए सिग्मा बी, दोनों जो नेगेटिव साइन कॉमन आए ना, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी डिवाइड बाय टू एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन टू क्या आ जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन है, सो सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी ओवर टू एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन थ्री के ना आ जाएगा दोनों पॉजिटिव है, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी डिवाइड बाय टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर दोनों की डेंसिटी इक्वल होए तो सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी सिग्मा सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा टू सिग्मा, टू ना टू कैंसल, यानी कि सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सेंटर विच अगर दोनों की डेंसिटी सेम होए जीरो आ जाएगा, ये भी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल थिन शीट्स ऑफ चार्ज दे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।